हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सेफ ट्रेडिंग डॉट इन। और मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे MCX कमोडिटी से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। सो आज मैं एक छोटा सा नो सॉरी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, छोटा नहीं बोलना चाहूँगा, ये बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली बिगिनर्स मिस्टेक कर देते हैं। मोस्टली क्या, मुझे लगता है सभी सभी ट्रेडर इस चीज़ को मिस्टेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 99% तो डेफिनेटली इसी मिस्टेक को लेकर शुरुआत करते हैं इस MCX कमोडिटी में, कोई भी फील्ड में, मैं MCX कमोडिटी ही कहना चाहूँगा। और ये उन लोगों के लिए भी है जो गलतियाँ कर चुके हैं और आज भी उसी गलत टेक्निक को यूज़ करके अभी भी नया नया पैसा को लॉस कर रहे हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स को चूज़ किया है ध्यान देते हुए, और उम्मीद है मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी मिस्टेक्स सुधार सकूँगा, आप सभी की मिस्टेक्स को सुधार सकूँगा। एंड अगर आप ये टेक्निक्स अपना लेंगे तो बेशक मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट यस मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट बात पे आके। तो देखिए, नॉर्मली कोई ट्रेडर आता है हमारे MCX कमोडिटी में या कोई भी फील्ड में ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो उसको स्कूल में बेसिकली नहीं पढ़ाया जाता है। वो ऑब्वियसली किसी फ्रेंड अपने कहीं से मिल जाते हैं लिंक्स, जैसे कोई फ्रेंड होते हैं, अपने सीनियर्स होते हैं, फैमिली में कोई इंसान होता है जो कहते हैं कि मैं तो कमोडिटी में ट्रेडिंग करता हूँ, तो कोई भी इंसान को बेशक शेयर बाजार में ना नए कोई भी नया इंसान अट्रैक्ट हो ही जाता है, उसको इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो वो क्या इंसान क्या पूछेगा अपने रिलेटिव या किसी भी इंसान से कि इसमें होता क्या है, तो वो क्या बताएगा, बस एक अकाउंट खोलना होता है और पैसा डालो ट्रेड करो, इस बस वो इतना ही बताएगा। अब शुरू करते हैं होता क्या है। एक नॉर्मल बिगिनर, जैसे किसी इंसान को ट्रेडिंग के बारे में पता चला तो वो क्या पूछता है, इसके लिए अकाउंट खोलना पड़ता है। तो यस, सबसे पहले इंसान क्या करता है, अकाउंट को ओपन करता है, मतलब ब्रोकर में जाएगा, फॉर्म डिपॉजिट करेगा, साइन करेंगे, अपने बैंक के सभी डिटेल्स देंगे और अपना अकाउंट खुलवा लेंगे 2 से 3 दिन के टाइम में, ठीक है। तो दूसरा स्टेप वो क्या सीखते हैं, उनको ब्रोकर्स क्या बताते हैं या फिर वो रिलेटिव या जो भी उनके फ्रेंड है, वो बस ये बताएंगे अपने फंड ट्रांसफर करो और ट्रेडिंग करो। फंड ट्रांसफर करने से मार्जिन मिल जाता है और तुम ट्रेडिंग करो, ठीक है। अब वो इंसान क्या करता है, उसने अकाउंट खोला और उसने पैसे ट्रांसफर किए और उसने अगला दिन से ही या फिर उसी दिन से ही बाय करना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया, और अपने पैसे से उस वक्त उस पैसे से जो ट्रेडिंग होती है वही होती है गैम्बलिंग, ठीक है। तो उसने अपने पैसे से गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया। अब तीसरी चीज, ना उसको कोई बताता है ना उसका खुद का दिमाग चलता है, तो वो तीसरी चीज क्या करता है, वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता कि ये मार्केट ऊपर क्यों जाता नीचे क्यों जाता, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, लाइक कोई भी जैसे क्रूड ऑयल है या फिर गोल्ड है, ये क्यों ऊपर जाता है, आज ये क्यों नीचे जा रहा है, या फिर आज दोनों तरफ क्यों मूवमेंट हुआ, ये जानने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। वो सिंपली देखेगा, उसको गोल्ड में देखेगा 30 रुपये 40 रुपये फटाफट ऊपर आया तो वो बाई कर लेगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो, अगर मार्केट ऊपर आता हुआ दिखता है तो सबको ऊपर के टारगेट्स दिखने लगते हैं, वो बाय कर लेते हैं, बस इतनी ही उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, और डज नॉट यूज़ अपना ब्रेन, वो अपना दिमाग को यूज़ ही नहीं करते हैं बेसिक्स सीखने के लिए, ना ही वो सामने वाले से पूछेंगे जिनसे उन्होंने MCX की जानकारी ले ली कि MCX नाम का एक चीज़ है, तो उनसे कोई पूछते नहीं है, कोई भी नहीं, इवन मैंने भी नहीं पूछा था कि ये क्रूड क्या है, मैंने तो बस देख लिया ये क्रूड है, मैंने उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा था क्रूड क्यों ऊपर जाता है या क्यों नीचे जाता है, मुझे बताओ, मैंने कभी नहीं पूछा, और नॉर्मल ट्रेडर कभी नहीं पूछता, उसका दिमाग इतना हाई लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता ना, उसको तो बस दिख गया और उसके मन में ये तो होता नहीं है, उसको भी यही लगता होगा कि ये सामने वाले को भी नहीं पता होगा, और उसने जैसा सुना रहता है शेयर बाजार में ऊपर नीचे गिरावट आती है, ऊपर तेजी आती है, उसको यही लगता है, लेकिन इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करता है कोई भी ट्रेडर शुरू में। या नाउ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डज नॉट टेक इंटरेस्ट। अगर उसको पता भी चल जाता है कि इसको सीखा भी जा सकता है, मान लो किसी ट्रेडर को, अब ऑब्वियसली वो जब ट्रेडिंग करना चालू करता है तो एक ही दिन या फिर कल या परसों वो प्रॉफिट करेगा, फिर सडनली जब वो लॉस करेगा, लॉस करने के बाद वो क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है, पहले तो उसने लॉस कर लिया, अब जाके वो सीख रहा है, ठीक है। तब जाके उसको पता चलता है, एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस चार्ट होता है जिसमें इंडिकेटर्स होते हैं, उसको पता तो चल जाता है, लेकिन नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा वो चीज़ सीखने में, क्यों,
क्योंकि उसने पैसे गवाए हैं मार्केट में। वो इस फिफ्थ स्टेप तक आते आते वो फिर भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और उसने पैसे गवा दिए हैं, और उसने 20,000 रुपये डाले थे, तो उसको ये नहीं दिख रहा है कि पहले मुझे सीखना चाहिए। वो कोशिश करेगा कि छोड़ो इस सीखने की चीज़ों को, जैसे मैं तुक्केबाजी से कमा लिया, क्या पता मेरे 20,000 कवर हो जाए। उसका दिमाग अभी भी वहीं रहेगा, ठीक है। और वो सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, बहुत तेज़ी करते हैं ट्रेडर्स, बहुत ही तेज़ी करते हैं। मैंने खुद भी किया है, सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। जब वो ट्रेडिंग करता है तो एकदम से उनको पैसा कमाना होता है। लाइक ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल है, तभी लोग सपना भी देखना चालू कर देते हैं। उनको दिखता है यार एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट, 20,000 के कैपिटल से एक दिन में 5,000 कमाया जा सकता है। ऐसा होता भी है और उनके साथ होता भी है, बट वो एक दिन या दो ही दिन होगा, तीसरा चौथा दिन वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उनको एकदम तेज़ी लग जाती है। ये सारी गलतियाँ हैं, ये सब नॉर्मल बिगिनर करते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे गलत आदत है जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो ये ब्रोकर्स होते हैं, ये किसी भी ट्रेडर को लालच दे देते हैं कि अगर आपने किसी ए नाम के ब्रोकर में, अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करने में 1,00,000 रुपये चाहिए, तो एक बी नाम का ब्रोकर आ जाएगा जो कहेगा आप मेरे यहाँ गोल्ड में ट्रेड कर लीजिए लेकिन आप सिर्फ 10,000 रुपये दीजिए। और ये मिसयूज़ कर लेते हैं। अगर इनको पास 1,00,000 रुपये है तो ये सोचते हैं मैं 10 लॉट में गोल्ड में ट्रेड कर लूँगा, बट नहीं, वो एक स्टूपिडिटी है, वो मिसयूज़ है। किसी चीज़ का, किसी अधिकार का आप मिसयूज़ करेंगे तो घाटा आपको ही सहना पड़ेगा। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहरेगा, ना आपके घर वाले, ना MCX, इवन गॉड भी नहीं सुनेगा। MCX का तो किसी का भी नहीं सुनता है ना। या मार्जिन का ओवर यूज यही होता है ओवरलॉट ट्रेडिंग पे। बहुत ओवरलॉट ट्रेडिंग कर लिया, रिकवरी के चक्कर में 20,000 में 2 लॉट ट्रेड किया, 5,000 लॉस कर लिया, अब 15,000 बचता है, तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन यूज करके कवर ऑर्डर एंट्री या फिर कुछ भी यूज करके वो 4 या 5 लॉट ट्रेड करता है, एंड वो मिसयूज हो जाता है और फाइनली वो पैसे को गवा देता है। ये 9वां पॉइंट पे आते आते उसने पैसे गवा दिए हैं फिर से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी बिगिनर रहता है, ये भी मेरी ही स्टोरी है, वो ट्रेडर डिप्रेस हो जाता है, फिर कहता है मेरी किस्मत नहीं काम आती, मेरा लक खराब है, आज का दिन ही मेरा बुरा था, आज मैंने क्यों ट्रेड कर लिया, मैंने किसका शक्ल देख लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो किस्मत पे ही थोप देता है कि मैंने आज क्यों ट्रेड कर लिया, मैंने गलत वक्त पे एंट्री ले लिया। वो ये नहीं कभी मानेगा कि मैंने ओवरलॉट मैंने यूज़ कर लिया मार्जिन को, या फिर मैंने रिकवरी के चक्कर में ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग कर लिया, वो नहीं, ये सब कोई नहीं बोलता। वो सिर्फ कहेगा मेरी किस्मत ख़राब थी, ठीक है। उसके बाद उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर ना ही वो कोई टूल, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना ही कोई चार्ट खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे और ना ही उसके पास आगे ट्रेड करने के लिए पैसे बचते हैं। और आखिरकार में वो क्या होता है, मार्केट को छोड़ देता है और कहता है ये मार्केट मेरे लिए नहीं है, और इधर उसका गेम ओवर हो जाता है। MCX कमोडिटी या फिर कोई भी शेयर बाजार का कोई भी हिस्सा, इक्विटी हो, निफ्टी हो, और फाइनली आखिरकार में अपनी किस्मत को कोस के वो कुछ भी कह लो, वो लूज़र हो जाता है, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो सीखेगा भी तो ऑब्वियसली कहीं से भी वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा तो वो सॉफ्टवेयर का कुछ प्राइस तो होता है, वो ख़रीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचते हैं, तो आखिरकार वो ख़त्म हो जाता है उसके लिए, उसके सफ़र ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या होता है, किसी भी ट्रेडर को असलियत में करना क्या चाहिए, मेरा क्या मानना है, अब मैं वो चीज़ बताता हूँ, ठीक है। किसी भी इंसान को सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से क्या होता है, उसको एक ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो लाइव प्राइसेस देख सके, है ना। तो इस वजह से अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है, जहाँ पे उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पे वो फंड ना भी डाले तो उसको स्क्रीन पे रेट्स दिखाई देंगे, बस इसके लिए, ठीक है। उसके बाद किसी भी ट्रेडर को फोकस करना चाहिए और सीखने की तरफ दिमाग लगाना चाहिए कि मार्केट में होता क्या है, ऐसा क्या चीज़ होता है कि एक्सपर्ट्स सीख लेते हैं, जो कहलाते हैं ना एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालाइजर्स होते हैं, ये क्या एनालाइज करते हैं, कैसे सीखते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने भी सीखा है, उन्होंने भी मेहनत किया है, उनको हेल्पिंग हैंड्स मिले होंगे, उनको मदद मिली होगी, तो बेशक इन लोगों को भी मदद मिल सकती है। इनको अपने कनेक्शंस बनाने होंगे नए नए ट्रेडर्स से, तजुर्बे वाले ट्रेडर्स से, जो तीन साल 5 साल से कर रहे हैं, जो फिर भी गवा रहे हैं, जो मार्केट में फिर भी बसे हुए हैं। अपने सीखने पे वक्त बिताओ, क्योंकि MCX आपको कोई ऐसा नहीं है, आपने 1,00,000 डाल दिया तो आपको कल से ही 1,000 रुपये पर डे मिलने लगेगा, नहीं, वो तो दूर की बात है। अभी फंड डाल के ट्रेड करने से अच्छा है आप अभी कोशिश करिए बाजार को सीखने का, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, लर्न एंड कैच द रीजंस ऑफ मार्केट अप्स एंड डाउन्स। मतलब
कोई भी धातु है, मतलब कोई भी कमोडिटी है, जो क्रूड ऑयल ले लो या फिर गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, ये पूरे दिन में ऊपर जाके फिर नीचे क्यों आया, इसकी वजह सीखने समझने पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, मैं अभी तो आपने बस अकाउंट खोला है, आपने ना ही फंड ट्रांसफर किया है, ना ही पैसे डाले हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, बाय वन परफेक्ट टूल टू लर्न द एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग टू ट्रेड। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर उस 1 लाख रुपए में से अगर आपको कोई टूल मिल रहा है, कोई गाइडेंस देने वाला इंसान मिल रहा है जिसके चार्ज 10,000 रुपए हैं, या फिर कोई आपको सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर आप खरीदना चाह रहे हैं, अगर उसका प्राइस 10,000 रुपए भी है, तो उस 1 लाख रुपए से ट्रेड करके, तुक्केबाजी का ट्रेड करके उस 1 लाख को 50,000 बनाने से अच्छा है आप पहले उस फंड को रखे रहिए और 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करिए किसी टूल खरीदने में। उसका आप ये मत सोचिए कि मैं आज एक बार ट्रेड कर लेता हूँ और क्या पता 10,000 का प्रॉफिट हो जाए फिर मैं सॉफ्टवेयर खरीदूंगा। नहीं, अगर आपने ट्रेड किया और आपका प्रॉफिट भी हो गया तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे सॉफ्टवेयर का जरूरत ही नहीं है, फिर ना ही आप खरीदेंगे और कल परसों जाके आपका फिर थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, फिर आपका दिमाग फिर खुल जाएगा, फिर आप सॉफ्टवेयर खरीदने के पीछे भागेंगे। और क्योंकि आपने लॉस कर लिया है इसलिए आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको रिकवरी दिमाग में घूम रहा होगा, यार मैंने इतने पैसे गंवाए हैं, मुझे इसको किसी भी तरह रिकवर करना है। तो किसी भी इंसान का अगर दिमाग शांत नहीं रहता है ना, वो नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाता। किसी भी ट्रेडर या किसी भी इंसान का दिमाग ले लो, अगर किसी स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रेशर है, वो टेंशन में है और उसको मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है, तो उसका माइंड वो नया फॉर्मूला को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अपने माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। अब जितना टेंशन लेंगे उतना माइंड आपका वीक होगा। ठीक है, तो अभी आप ट्रेडिंग मत करिए, ट्रेडिंग को सीखिए। ठीक है, तो टूल खरीदने में मत हिचकिचाइए, चाहे वो 10,000 का हो, 15,000 का हो, बट यस, खरीदने से पहले उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वो सही जगह, आप सही जगह से खरीद रहे हैं। या फिर उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है, या टेक्निक बनाइए, या फिर आप सीखिए उस सॉफ्टवेयर से कि उस हिसाब से किस तरह से ट्रेडिंग होता है। ठीक है, फिर आप सीखेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे, या फिर आप मार्केट को देखेंगे और कहेंगे ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो मुझे बाय लग रहा है, फिर देखिए क्या पता वो मार्केट या फिर क्रूड ऑयल जो भी आप एनालाइज कर रहे हैं वो नीचे गिर गया, फिर आप कहोगे कि मुझे बाय लग रहा था, ये नीचे क्यों आ गया। आपकी गलत जब होंगे, जब मिस्टेक्स होंगे आपके एनालिसिस में, तब आपका दिमाग और ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा सोचने में, दिमाग लगाने में, और ना ही आपको लॉस का फिक्र है, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं है ना अभी तक, तो माइंड आपका फ्रेश है, आपका माइंड सिर्फ सीखने पर फोकस करेगा। ठीक है, और इस टेक्निक से 3 महीना तो नहीं, एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना मिनिमम भी कोशिश करिए। मेरे पास एक ट्रेडर है जो मेरे एरिया, लोकल एरिया के ही हैं, उनका नाम है विवेक चतुर्वेदी, वो मेरे को हमेशा फ़ोन करते हैं, हफ्ते में एक बार तो हो ही जाती है हमारी बात। वो 4 महीने से स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और उनसे मेरी बहुत परफेक्ट बात होती है। उन्होंने मुझे बोला कि मैं 4 महीने से इस टेक्निक को आजमा रहा हूँ और मुझे क्रूड से इतना पॉइंट अभी तक मिला है, और फाइनली मैंने पूछा कितना कमाया, तो उन्होंने बोला कमाया नहीं, मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यस, मैं उनसे ही इंस्पायर होके ये चीज़ मैंने, ये पॉइंट डाला है। यस, फाइनली प्लान द ट्रेडिंग लॉट्स एंड मेक इट द हैबिट बिफोर रियल ट्रेडिंग। मतलब रियल में ट्रेड करने से पहले आप एक प्लान बना लीजिए कि 1 लाख रुपए में मैं 3 करोड़ से ज़्यादा करूँगा ही नहीं। ब्रोकर को बोल दो आप कि यार मेरी मार्जिन तुम ब्लॉक कर दो, मैं चाह के भी ट्रेड ना कर सकूँ। ठीक है, फिर जब आपका ये लॉट साइज का जो प्लान है सही हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे और यस, आपका कैपिटल बहुत स्मूथ चलेगा। अभी जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका नाम है विजय, फिर वो हैदराबाद से हैं। ठीक है, अभी उन्होंने 2 हफ्ते पहले से ही ट्रेडिंग शुरू की है मेरे साथ, तो उनका 1 लाख कैपिटल है। ठीक है, तो उनको मैं मिनी कराता हूँ, लाइक 25 मिनी लॉट्स, 30 मिनी लॉट्स, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं कराया है। ठीक है, वरना नॉर्मली मैं 20 मिनी लॉट्स में करवाता हूँ एंड 10 मिनी लॉट्स का मैं उनका एवरेज के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, एंड कोई प्रेशर मत दीजिए आप, क्योंकि ये मार्केट में से आपको कोई फिक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने रुपये निकालने ही निकालने हैं। आप पहले एनालाइज करना सीखिए मार्केट, हर दिन में आपको पोजिशन बनाना ज़रूरी नहीं है। अभी जैसे जो ये हफ्ता बीता है, इस हफ्ते में मैं खाली किस दिन बैठा, मैं वेडनेसडे खाली बैठा और फ्राइडे को खाली बैठा, मैंने ट्रेडिंग किया क्रूड में, मंडे को ट्रेड किया मेरा एसएल हो गया, ट्यूसडे को ट्रेड किया मेरा प्रॉफिट हो गया, और थर्सडे को ट्रेड किया मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने हफ्ते में 3 दिन ट्रेड किया, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से उन दिन पे ही ट्रेडिंग लेना सही था।
जरूरी नहीं है आप मार्केट में आए हैं आपके पास मार्जिन खाली पड़ा है तो एवरीडे कोई पोजीशन बनाना जरूरी है, नहीं। अगर समझ में ना आए तो मत करिए, अगर समझ में आए तो ही करिए। यही चीज आपको प्लान करना होता है, ठीक है। यस, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने टेक्निक अपने स्ट्रेटजी को लेकर, तब जाके आप पैसा ट्रांसफर करिए, इन्वेस्ट कर डालिए, मार्जिन ले लीजिए, तब जाके आप अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। यस, फिर जब आप ट्रेडिंग करेंगे आपके अंदर ना ही कोई प्रेशर रहेगा, इससे एक चीज बहुत हाईली होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर रहती है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर, इतना आपका बुलिश हो जाता है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कि आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा कि आपकी आजू बाजू पॉजिटिविटी घूमेगी, ठीक है। क्योंकि प्रेशर में रह के मार्केट कोई नहीं सीख सकता, मैंने बोला ना टेंशन की चीज़ माइंड कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। फ्रेश माइंड रख के सिर्फ सीखने पर फोकस करके बाद में आप ट्रेड में फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपये हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है, इससे आपको होपफुली आपको समझ में आ जाए, लेकिन अगर नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। या तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, लाइक कुछ भी ले लो, मिठाई की फैक्ट्री खोलनी है, लड्डू, या फिर लेडीज सैंडल की फैक्ट्री खोलनी है, तो पहले आप क्या करते हैं, 5 लाख रुपए पहले रखो उसको बैंक में, उससे भी कुछ छेड़छाड़ मत करो, पहले प्लान बनाओ कि कम मटेरियल्स आपको कहाँ से लाने हैं, आपके वर्कर्स कहाँ से आएंगे, आपको कौन सा मटेरियल का प्राइस क्या पड़ता है, आपको उसको कितने में बेचना है, उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या रहने वाला है, और कितने लॉट में, मतलब कितना हैवी क्वांटिटी आपको इंपोर्ट करना है मटेरियल, फिर आप कैसे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली 5 लाख रुपये तो अभी आपने टच नहीं किया, आपने पहले प्लान बनाया, प्लान जब आपका समझ में आ जाता है फिर आप अपने जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे डिस्कस करते हैं, जो आपके वर्कर्स रहते हैं वो जब आपको बोलेंगे, वो अभी आपको गाइड करेंगे, तब जाके आपका मन संतुष्ट होके 1 से 1.5 महीना उसमें भी लगता है फैक्ट्री की प्लानिंग करने में, फिर जाके उन 5 लाख रुपए को आप टच करते हैं, फिर आप मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। क्या आप मटेरियल 5 लाख रुपए का खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते हैं, पहले आप कहते हैं यार 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का ही, 1 लाख रुपए का तुम सोल लेके आओ सैंडल का, 1 लाख रुपए का जो डिजाइनिंग का वर्क होता है वो ले आओ, 1 लाख रुपए का मशीन खरीदते हैं, 2 लाख रुपए आप सेफ रखते हैं। आप चाहें तो उन 2 लाख रुपए का भी मटेरियल खरीद सकते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन पहले इन्वेस्ट नहीं करता, वो पहले चेक करता है कि मैं जब मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरी क्या मार्जिन होती है, तब जाके जब उसको समझ में आता है तब वो जाके पूरा पैसा डाल देता है मार्केट में, तब वो जाके पूरा इन्वेस्टमेंट करके मटेरियल खरीदता है। यही चीज मार्केट में होता है, हमारी कमोडिटी में, ठीक है। एक साथ में कभी भी इन्वेस्ट मत करिए, पहले सीखिए, धीरे धीरे करके ट्राई करिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तब जाके एक्स्ट्रा मार्जिन को आप यूज करिए, एक साथ यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे MCX में क्या होता है, लोग पहले ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं, टेंशन में आते हैं, तब फाइनल स्टेप वो चूज करते हैं सीखना, जो कि बहुत ही उल्टा और बहुत ही गलत है, ठीक है। तो इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश करिए, सीखने समझने की कोशिश करिए, एंड मैं दावा तो नहीं दूंगा क्योंकि सब चीज एक इंडिविजुअल के दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, अगर इन सभी टेक्निक्स को आप अपना लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर जरूर सुधर जाएगा और ट्रेडिंग में अपना करियर भी बना लेगा, ठीक है। मेरे पास ऐसे ट्रेडर्स हैं जो एक प्रोफेशनली टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो फिर भी ट्रेडिंग करते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, आप कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट यस, ये अगर आपका इंटरेस्ट है तो पहले इसको सीखिए, ओवरलोड काम कभी मत करिए। तो ठीक है, मैं बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। तो बस अगर आपको समझ में आ गया और सीखने को कुछ मिला और इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, तो बेशक इस वीडियो को लाइक करके आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और नीचे कमेंट्स में भी बताइए कि फ्यूचर में मैं कैसे वीडियोस बनाऊँ, किन टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ जिससे आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आए, है ना। तो मैं बेशक वैसी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, और कॉमेंट में भी आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा दूसरे ट्रेडर लोगों के साथ, या फिर आपके कोई नया दोस्त, नया कोई फैमिली मेम्बर ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है तो उसके साथ ये चीज़ें शेयर करिएगा, ताकि वो शुरू करने से पहले ही अलर्ट हो जाए, है ना। एंड फाइनली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस, लाइव कॉल्स अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, एंड आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, एंड इसी तरह बने रहिए, एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग, मिलते हैं फ्यूचर में किसी अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।